अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज का जो व्लॉग है वो ईद से मुतल्लिक है। और अभी सुबह के 6 बजे और ईद नमाज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, और 6:45 पे जमात है। आज का दिन जो है सारा दिन व्लॉग के साथ रहेगा। और आपको, मैं गांव में आया हूँ, पहले पिछली जो है वो मैंने शहर में पढ़ी थी, आज की जो हमारी ईद है वो गांव में है। तो गांव में भी मैं दिखाऊंगा कि लोग किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से लाहौर के अंदर तो दूर दूर खड़े होकर मास्क लगा के नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह नमाज़ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो कुर्बानी होगी वो भी दिखाऊंगा आपको, एक बकरा है एक बेड़ा है वो सारे दोनों आपको दिखाऊँगा कि किस तरह कुर्बानी हुई है। और फिर साथ साथ आज हमने सारे जो मेरे भतीजे भांजे सारे उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगा। तो ईद पे अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं, सारे तैयार हो रहे हैं, जब तैयार होके जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे साथ रहिएगा, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आज का दिन मेरे साथ गुजारिएगा। सभी नमाज के लिए जा रहे हैं। रात गांव आ गए थे तो मैंने कहा यहाँ पे आके ईद नमाज शुरू हो, ईद नमाज पढ़ के फिर दोबारा वापस चलेंगे। अब हम जा रहे हैं जी कब्रिस्तान, सारे इकट्ठे हो गए। हाँ भाई गए, मैंने
जी व्लॉग तो मैं काफ़ी लंबा बनाना चाह रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बाहर निकला ही नहीं गया, तो इस वजह से मैं बाहर निकल के वीडियो नहीं बना सका गर्मी की वजह से। और ईद वाले दिन काफ़ी गर्मी थी, तो अभी हम वापसी पर रवा दवा हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं। 5:30 बजे का टाइम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को, छोटी सी वीडियो है, पसंद आई होगी। और अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक जो बाहर बैठे हुए हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाने गए हुए हैं और परदेसी हुए हुए हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी फैमिली से दूर रहकर कमाना, मुझे पता है कि मैं बहुत अरसा बाहर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह सर्वाइव करना पड़ता है और किस तरह रहना पड़ता है। खैर, आप लोगों की हिम्मत को दाद, और आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।